हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छबिला हियर। वेलकम टू माय चैनल एविरार स्टडी सेंटर। देखो, आम इंडियन क्लाइमेट रो गोटे वीडियो कर सारी से आम फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट पढ़ीचे आपर मध्य कि इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हिसाब से क्वेश्चंस मुझे देखिली से हिसाब से किसी पॉइंट रही जाइए ताकि आम डिस्कस करवा पूरा क्लियर हिसाब से डिस्कस करवा। आउ जदि देखु पीडीएफ टी आपण मन को जो दरकार ए वीडियोर टॉपिक्र ताल आपने टेलीग्राम सहित जोड़ पारे और टेलीग्राम रु पीडीएफटा पाइपर टोटल फ्री है। देखो, आम टोटाल फ्री प्रोवाइड करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट गोटे टंका भी लगे नहीं आपण मानक निश्चित भाव जब पाइबा चाहूंट जॉइन हे जॉन पारे। आम कौन पढ़ी थी से आपके रिवाइज कर दिए। देखो, ये फैक्टर अफेक्टिंग आम पढ़ी थे यहाँ ओके मनसून आम कमी आसे से डिस्कस करी कितुतापुर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस करवाक चाहूँगी तो देखने है। देखु मनसून, मनसून के आसी था इंडिया को जून मस कहीं केमती जून मस देखु यहाँ सन मु बेसिक डिटेल बुझौनी किसी मात्रा रे बुझौच ये मान जो कह रोटेशन होला रोटेशन हो सन मान लिया है रोटेशन हो चार तार पॉइंट आम रखु ये कौन होता है ना ट्रप सदर्न हेमिस्फीयर रही था कौटा यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर था आटा इक्वेटर रीजन रे थाए बा इक्वेटर सीधा आमर सूर्यर रश्मिटा पड़ी थाए कौन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ी थाए हैला सीधा जो सूर्यर रश्मिटा सूर्यर आलोकटा सीधा पड़ी थाए कौ जगार ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ी थाए हैला तो ये मुझे कहले एमती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ी थाए ओके आटा कौन ये इक्वेटर पड़ी थाए दी जगह इक्वेटर पड़ी थाए अर्थात यहाँ है मार्च यहाँ है जून यहाँ है आमर जून पर कौन सेप्टेम्बर आसव सेप्टेम्बर पर यह आस डिसेम्बर तो यहाँ ए हिसाब से रही थाए तो ये जून मसीहारे सॉरी जून मंथ कौन होता है आम इंडिया मनसून टा आसी थाए बुझिपारे ये समय जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य रश्मिटा पड़ी थाए क्लियर बुझिपारे तो किसी डिटेल्स बुझे कि मात्रा आपको बुझे तो आशा कर बुझी जाइए है यदि बुझीपारी कमेंट करूँ से एक्सट्रा भिड करदेवि से रोटेसन और रिवल्यूशन रिडियो कराई कि डिटेल्स बुझे जो समर सीजन जोटा अच्छी विंटर सीजन केमती होता है बुझे जदि आप कमेंट करेंगे तो बुझेदेवि है समय जून मसीह पुणी मसीहा कह सरी फर दैट मंथ रे सरी जून मंथ रे कौन होते ना केते गुड़े फेस्टिवल आसी थाए को फेस्टिवल आसी थे देखु प्रथम आसी थे मिंजार फेस्टिवल जोटा कि हिमाचल प्रदेश रो चंबा डिस्ट्रिक्ट करा जाए तापर तमिलनाडु गोटे फेस्टिवल करा जाए थे गोटे है आदि पेरुकु तापर आसला महाराष्ट्र रे गोटे फेस्टिवल होते जार नाम होची नारिया नारियल पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा है यहाँ कौ जगह रहता है मोस्ट महाराष्ट्र रही थे कोस्टल रीजन रहता है कोस्टल रीजन आम क्या कह मानते यहाँ हूँ गोटे समुद्र समुद्र आखपाख जो लैंड सरफेस रोचे आम कह कौन कोस्टल रीजन ओके ये बुझे तापर आम जब कह देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करी बेस किसी कर मैं इम्पोर्टेंट नुहे जोटा इम्पोर्टेंट मुझे डिस्कस करुच्ची ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिकल मनसून आम क्लाइमेट कौन एटा क्वेश्चन आसी था इंडिया क्लाइमेट रोचे मनसून कौटा रोचे किपर क्लाइमेट रही था ट्रॉपिकल मनसून रही था गोटे गोटे जगह सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट लिखाही था कि एक्चुअली आंसर होता है ट्रॉपिकल मनसून ठीक अच्छे जो ट्रॉपिकल मनसून नाला आप सब ट्रॉपिकल देवे है तो आम डिफरेंसेस केमती पाइबा देखूँ जो समय देखो समर सीजन में ओके 48 डिग्री सेल्सियस थे कौ जगह थर्ड डेजर्ट जोटा कि आम राजस्थान कहे कि विंटर सीजन में कौन थाए देखो 40 डिग्री सेल्सियस थाए ले
ले बोली गोटे जगह अच्छी जो जगह कि 40 डिग्री सेल्सियस था विंटर्स शीत काल में शीत मस कौन होता है ना 40 डिग्री सेल्सियस था अर्थात 40 डिग्री सेल्सियस अर्थात आम जो कह गोटे प्रकार समर सीजन कौ जगह होता है ना यहाँ लेरे है तो ये डिफरेन्सेस कहीं देखा जाकिन देखूँ आमर इंडियाटा दि प्रकार क्लैमेट क्लैमेटिक जोन भलिया जामी कहीं यहाँ गोटे मान ना ये सॉरी फॉर एग्जांपल गोटे इंडिया तो ये इंडिया जो मिडिल कौन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाऊँ ना नहीं तो ये मिडिल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडिल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जेहेतु जामर क्लाइमेट डिफरेंस डिफरेंस देखा दे था बुझिपाले मैंने आम टेम्परेचर देखा जो डिफरेंस देखा जाए है तो यहाँ आप मन रखुदूँ कि 48 डिग्री सेल्सियस कोई जगह था थर्टेजर एवं 40 डिग्री सेल्सियस विंटर था ले जगह ओके आउ कौन आम जब कह देखो हाँ थर्ड डेजर एनुअल रेनफॉल के 10 सेंटीमीटर केवल 10 सेंटीमीटर रे तार मान आम कह तो एनुअल रेनफॉल होता है किंतु मेघालय रे आपको गोटे क्वेश्चन आसे मेघालय रे कौन ना 500 सेंटीमीटर्स रो वर्षा रेनफॉल होता है यहाँ क्वेश्चन रे आसे मेघालय रे को जगह ना मेघालय रे है आम जा देखो फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट यहाँ तुम पढ़ी सारी छे है जो जोटा पढ़ी से डिस्कस करेबी है लोकेशन जोटा कि मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती जेहेतु ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आमर इंडियाटा जाऊँगी क्लाइमेटा मैंने किसी प्रकार चेंजेस डिग्री रे तापमात्रा रे चेंजेस रोची है मानतु जोटा मुझे कहली हाँ फॉर दैट दिस इज ए मैप ऑफ इंडिया तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाऊँगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जेहेतु जामर मैं क्लाइमेटा अलग अलग प्रकार रही था है कि नहीं तो जो अलग प्रकार रही थे टोटाल जो दि भाग विभक्त कर इंडिया को कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो से ही जगह आम मानने कौन होता है ना डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट देखा मिलता है हैला कहीं देखूँ जिते बिल सन देखो ये मान ना गोटे सन है तो यहाँ है विश्व पृथ्वी तो यहाँ है इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो जिते बिल सन रेस्टा आसी था तो सीधा पड़ता है ना तो सीधा जिते पड़ता है ट्रॉपिकल जगह एवं इक्वेटर जगह ये जगह बेसिकली हीट रही था जेहेतु हीट रही था तार मानने क्लाइमेटिक जोन हिसाब से अलग प्रकार देखा दे था आमर क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेटिक क्लाइमेट अलग अलग प्रकार देखा था सेटा भी कारण अच्छी आमको जानवा कि जानवा दरकार नहीं आम एमती जानवा कथा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जेहेतु रही तार लोकेशन हिसाब से बुझिपारे कि नहीं डिफरेंस देखा जाए है तो ये आ गोटे कथा आप जानवे देखो आम नॉर्दर्न पार्ट को आम सब ट्रॉपिकल रीजन कही था सदर्न पार्ट को आम ट्रॉपिकल रीजन कही था है जो इंडिया अच्छे इंडिया रो आमे जहाँ सदर्न पार्ट को आम कौन कहला ट्रॉपिकल रीजन है नॉर्दर्न पार्ट को आम कहला सब ट्रॉपिकल रीजन तो मिसिकी आम दुटा जहाँ ऑप्शन देव से चूज करेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट किंबा सब ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट लिखि पारे है तो फिजिकल फीचर्स कौन देखिए फिजिकल फीचर आम देखा है टेम्परेचर मैंने जोटा कि अल्टीट्यूड रू आप बुझे जेहतु हाइट रही से आमर टेम्परेचर डिक्रीज इनक्रीज होला हाइट रे रही कौन होता है टेम्परेचरटा डिक्रीज होता है कहीं से जगह ऑटोमोस्फेरिक कंडीशन न था तो यहाँ मुझे सठिक भाव बुझे ओके देखु जो देखा समर सीजन में हिमालय मानने रेयर आम कौन होता है मैंने से टेम्परेचर न था लो टेम्परेचर थाए ठीक है तापर तमिलनाडु में देखा तमिलनाडु जेहेतु इक्वेटर रो क्लोज एरिया मैं क्लोज कर इक्वेटर रे कहीं तले अच्छी तो देखो ये जी आम कहला इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो ये जगह आम इंडिया अच्छे तो ये जगह अच्छे तो किसी पाख को इक्वेटर लगी ना नहीं बुझिपारे कि नहीं तो से ही कारण से जगह कौन होता है देखो
ଯେହେତୁ ଇକ୍ୱେଟର ଲାଇନ୍ରେ ଥାଏ। ଓକେ, ତ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ସ ସଜେଜ କୋଡାଇକାନାଲ କୋଡାଇକାନାଲ ଏଣ୍ଡ ଉଦକା ଉଦକା ମଣ୍ଡଲମ୍, ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା କୁଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନ୍ରେ ଅଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହିମାଳୟରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲୋ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି କୋଦାଇ କାନାଲ ଏବଂ ଓକେ ଉଦକା ମଣ୍ଡଲମ୍, ସେ ଜାଗାରେ କୁଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରହିଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏପରି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, କାହିଁକି ନା ଯେ ଫିଜିକାଲ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି ଆମର ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ପଳାଇଯାଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଏତିକି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯିବାନି, ଏଇଟା ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ରିଜନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ତ ସେତିକି ଆମେ ଯିବାନି। ଓକେ ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେହେତୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ମୁମ୍ବାଇରେ ନା ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଥାଏ ନା ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥାଏ, ତା'ର ରିଜନ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାରେ ଓସନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଓସନ୍ର ଆଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କୁଲ୍ ରହିଥାଏ ହେଲା, କ୍ଲିୟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ସେଠି କିଛି ବେଶୀ ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ହଁ ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ସିଜନ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସାଇକେଲ୍ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସନ୍ ରହୁଛି, ସନ୍ର ଏଇଟା ସିଜନ୍ ରହୁଛି ସଦର୍ନ ହେମସ୍ଫିୟର ହେମିସ୍ଫିୟର ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେଟର ରହିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରହିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ରହିଲା ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନ୍ରେ। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ସିଜନ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା କାହା କେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଟେସନ୍ ଏବଂ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏବଂ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜନ୍ ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପ୍ରିକନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ସିଜନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ରହିଥାଏ ୱିଣ୍ଟର୍ରେ, ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଟ୍ ୱେଦର ରହିଥାଏ। ଓକେ, ସଦର୍ନ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ବା ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରେନି ସିଜନ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଏବଂ ସିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଟମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଯାଉଛି ସେଇଟା ପୁଣି ଫେରୁଛି ନା, ତ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛି ସେଇଟା ଆମର ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ୍ ହେଉଛି ଅଟମ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଆଉ ଯଦି କହିବା ସେଇଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକିଏ ୱେଟ୍ ଅଛି, ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଓକେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ସିଜନ୍, ଏଠି କେଉଁ ସମୟରେ କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ସିଜନ୍ ହେଇଥାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ନଭେମ୍ବର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିଲ୍ ଦ ମିଡ଼ିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆଚ୍ଛା ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବରର ପାର୍ଟଟା ରହିଥାଏ, ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ୱିଣ୍ଟର୍ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ସିଜନ୍ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଲୋ ଥାଏ ଥାଏ ନା ନାହିଁ, ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆମର ତ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏତିକି ହାଇ ନଥାଏ, ଥାଏ କି ନଥାଏ, ତ ସେଇ ସମୟରୁ ଆମେ କହିବା କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ସିଜନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କେଉଁ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଫେବୃଆରୀ ହେଲା, ଏ ତିନି ମାସ ଯେଉଁ ସିଜନ୍ ରହୁଛି ଏ ତିନି ମାସକୁ ଆମେ କେଉଁ ସିଜନ୍ କହିବା, କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ସିଜନ୍ ବୋଲି କହିବା ହେଲା। ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ 20 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କେବଳ ରହିଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ କଥା କହୁଛି ହେଲା, ବିଲୋ 20 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ ଏବଂ ସଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଲ୍ଡ ୱେଦର ଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପାର୍ଟ ଦେଖିଥିବା, ନର୍ଦର୍ନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ପାସିଂ ଓଭର୍ ଦ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପିକ୍ ଅଫ୍ ମଶ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗ, ହଁ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାମଣ୍ଡଲ କୋଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ମନସୁନ୍ଟା ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବର୍ଷା କରିଦିଏ, ତ ସେଇଟା ହେବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍, କିମ୍ବା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିପାରିବ କି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା କରିଦିଏ, ତ ସେଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି କହିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହାବାଟା ଆସିଥାଏ ହେଲା ଏମିତି ଆସିଥାଏ, ଏଇଟା ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ
ओके एमती रिटर्न करी थाए और ये तमिलनाडु रे से वर्षा करी दे थाए हला एटा क्वेश्चन रे आसे मन रखिबे टिके को जगह रे ना कोरामंडल कोस्ट रे हला से नॉर्थ हम जो बे ऑफ बंगाल रो जो कोस्ट को हम कहबा कोरामंडल कोस्ट बोली हां जोटा कि तमिलनाडु रे अछि तापर कोनो तापर हम देखंतु मेडिटेरियन सी रु जो रेनफॉलटा आसी थाए देखंतु एटा मध्य क्वेश्चन आसे जोटा म आपन को कहि दउ छी ना से क्वेश्चन निश्चित भाव रे आसीबो बस से क्वेश्चन आसी छी आसी पारे एवं एमसीक्यू रे म आपन को डिस्कस करेबी मध्य तापर देखंतु साइक्लोन्स जोटा आसी थाए ताको मेडिटेरियन सी जोटा रहुछि हमरो आफ्रिका एवं यूरोप रो मझि रे हला एटा हला आफ्रिका एटा हला यूरोप एटा हला एशिया तो ए मझि रे जोटा आसुछि मेडिटेरियन सी सेही मेडिटेरियन सी रो जो साइक्लोन आसी थाए ताको हमें सेही साइक्लोन को हमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोली कहि थाउ बुझि पल्ले कि नै आफ्रिका रो आफ्रिका एस यूरोप एवं एशिया एशिया हला वेट एशिया तो ये मझे जो मेडिटेरियन सी अच्छी मेडिटेरियन सी रु जो हावाटा आसूँ जो साइक्लोन आसूँ आम कह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोली ओके बुझी पार्टी तो ओके आशा कर समस्त बुझा पड़ आउट बेसिकली दे आर फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर कंडीशन एंड मैंने से कौन कर कोल्ड वेदर कंडीशन देता है से है हॉट वेदर कंडीशन कौन देखा देखो है हॉट वेदर कंडीशन जब आम कह सेटा तो बेसिकली कौटा जब आपको डिस्कस करी कौ जगह रही थे ना राजस्थान रही थे है कि नहीं कौ जगह रही थे राजस्थान से थर डेजर्ट 48 डिग्री सेलसीयस रे अबव थाए हला सेटा कौ जगह रे मे रे देखंतु हाईएस्ट टेम्परेचर रही थे से समय रे हला जाटा कि देखंतु द हॉट वेदर सीजन आल्सो कॉल्ड द प्री मनसून सीजन बोली आम मनसून हबा आगरु जो माने सीजन टा ताको आम कोन कहबा हॉट वेदर सीजन बोली कहबा हला आ ए लोक ए ए समय रे गुटे हॉट ड्राई एंड लोकल विंड गुटे माने बही थाए ताको मैं लू बोली कहिता जोटा कि राजस्थान रे देखा जाय थाए हां आ ओसरा को जगह रे बही थाए ना नॉर्दर्न प्लेन से सेटा बही थाए नॉर्दर्न प्लेन जोटा नॉर्थ इलाके रे जो प्लेन एरिया अछि हला नॉर्थ साइड रे इंडिया रा सेटा नॉर्दर्न प्लेन रे से बही थाए हला क्लियर एति कि बुझि परचंत त क्या कुछ डिस्टर्बेंस होची ना बुझी पड़ना है कौन तापर आम देखा विंडियन एक्सपीरियंस हाँ ये देखो मनसून टा जो डिफरेंस कह कर्णाटक कौन देखा जाए कर्णाटक प्री मनसून सोर को आम कौन कह मैंगो सोर बोली कह देखो ये क्वेश्चन आसे मैंगो सोर बोली कह जो प्री मनसून को जो मनसून होगा आगर हाँ आठ को देखो काल बैसाखी वेस्ट बेंगल कहुए हाला जो मैंने कौन कह कह जो मनसून आसवा आगु जो मार्च मसीह आम काल बैसाखी कह वेस्ट बेंगल काल बैसाखी कहुई थाए आसाम कौन कहुई थाए ना कौन कहुई थे बड़दोई चिला बोली कहुई थाए कौटे आसाम वेस्ट बेंगल रे आसाम रे एटा दुटा कह जाए तो क्वेश्चन आसी पारे आपन को मुश्किल क्वेश्चन तो नुहे आपजस्ट करेंगे आपड़ हाँ यहाँ आप देख मेघालय 500 सेंटीमीटर होता है यहाँ ट्रू ना फॉल्स ट्रू ऑब्वियसली ओके नेम द फैक्टर हिज अफेक्ट द क्लाइमेट एटा क्वेश्चन छाड़ू एक्सप्लेन एक्सट्रीम क्लाइमेट कौ जगह देखा देव तो क्वेश्चन आपको दिहला लखनऊ में ना पनाजी में होता है यहाँ भी आपने क्वेश्चन करेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिन इन द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कौ जगह रहे से कहे मुझे आपण मैं मैंगोसोर कौ जगह देखा दे तो यहाँ आप निश्चित भाव करेंगे हाँ यहाँ आसा सदर्न साउथ वेस्ट मनसून जोटा कि बेसिकली सेप्टेम्बर पर्यंत रही थाए और जून रु आरंभ होता है जून रु आरंभ होगा जून रु आरंभ हो सीधा सेप्टेम्बर में पहुँची थाए और सेप्टेम्बर आप अलग सीजन टा आसी जाए तो ये देखो ये बेसिकली आरबिक वार्ड रू आसमें मौसम तो मुझे बुझे आप किसी कथा नहीं तो ये सदर्न साउथ वेस्ट मनसून होता है केमती आसी थाए देखो ये कौन ना ये केमती होता है मुझे एक्सप्लेन करदे आप बोलते जाथे कि एक्सप्लेन करदे सदर्न साउथ वेस्ट मनसून केमती होता है देखु मानने दुईट जिनस रही हाई टेम्परेचर
हला एसटी लिखुचि एवं लो टेम्परेचर हला जो जगह रे हाई टेम्परेचर थाए से जगह रे लो प्रेशर थाए अर्थात एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक जो हमर एयर रहुचि हैं ताको हमें लो प्रेशर बोली कहुचि हला एवं लो टेम्परेचर रे हाई प्रेशर थाए हला कि नहीं देखो दुईटी रीजन थाए जो जगह रे हाई टेम्परेचर हला अर्थात हाई टेम्परेचर को जगह रे हबो बेसिकली दिन बेला हमर लैंड सरफेस रे हबो एवं राति रे कोन होइत थाए ओशनिक रे ओशन एरिया रे सेटा टेम्परेचर बढ़ी जाय थाए हला काहे कि ना जते बेला जदी दिन बेला टेम्परेचर टा बढ़ुची ओशन माने जते बेला लैंड रे बढ़ुची हमर जमी इलाका रे तो ऑब्वियसली ओशन रे भी पड़ुतिबो ओशन रे पड़ला बेला से कोन होइत थाए से आगुरु तो थंडा होते रात है दिन बेला जिते से मैंने सूर्यर रश्मि सूर्यर आलोक से जिते बेले हिट होता है धीरे 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 से कौन होता है ना बुझे कि नहीं तर मैंने से धीरे धीरे गरम होते हैं जितकी धीरे धीरे गरम हम से धीरे धीरे थंडा हम तो एज कंपेयर जब आम कर रात बेला ये कौन होता है लैंड सरफेस कूल होता है कितु यही जो इलाका रे जो दिन सारा गरम हितिबो से धीरे 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 ओशन टा ठंडा हबो अर्थात आज दिन बेला में कंपेयर करिबा दिन बेला लैंड सरफेस रे हाई प्रेशर थाए हाई टेम्परेचर थाए लैंड रे तो यदि जो जगह रे हाई टेम्परेचर थिबो से जगह लो प्रेशर रहिबो हैला बुझि पारले कि नहीं लो प्रेशर रहिबो एवं जो जगह रे लो टेम्परेचर थिबो से जगह रे हाई प्रेशर थिबो तो एथि हाई प्रेशर रहिला तो हाई प्रेशर ठानु जो हवाटा लो प्रेशर को बहिबो अर्थात एठी जेंती बहिबो हला एठी एमती बहिबो तो से कोन नेकि जीव हवाटा कोन नेकि जीव मॉइस्चर नेकि जीव ए जो ओशन रो पानी जते को नेकि जीव से ने गला परे एठी जो केरला अछि केरला रे बहुत परिमाण रे वर्षा करि दिए गोटे क्वेश्चन एथी एठी मध्ये गोटे क्वेश्चन आसुछि आपन मन को डिस्कस करि कहि दउछि मु आपन मन मन रखंतु कि ए जगह रे वर्षा बहुत करैथिल केरला रे तो ये आप कौन केमी क्वेश्चन पचारे बेले साउथ वेन मोस्ट मनसूनटा आसी थाए से समय कौ जगार हाइएस्ट रेनफल होता है वर्षा कर दे थाए तो सीटा केरला नॉर्थ ईस्ट जो हवाटा आसी थाए जिन वर्षाटा आसी थाए जो मनसूनटा आसी थाए से तमिलनाडु में वर्षा कर दे थाए मन रखे ठीक है कौन है ये आ एटी अच्छी अरबियन सी रू हाँ से ऑब्वियसली अरबियन सी रू आसी थाए अरबियन सी एवं ईस्ट इंडिया आम कौन रोचे ना इंडियन ओशन रू जाए साउथ वेस्ट मनसून टा ओके तापर कौन द बेंगल ब्रांचेस रिच द वेस्ट बेंगल कोस्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ द शिलांग प्लेटू ओके देखो जो बे ऑफ बेंगल ब्रांच रू जिते बेले पहुँचब हला वेस्ट बेंगल कोस्ट को से आसीबो हाँ जेतु वेस्ट बेंगल से जायरे अछि वेस्ट बेंगल को आसीबो तापर सदर्न पार्ट रो शिलांग को आसीबो शिलांग प्लेटू को सेटा किछि कथा नै हला तापर कोन देखन जोटा इम्पोर्टेंट म आपन बुझि दउ छी हां तापर इम्पोर्टेंट रहउ छी सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून ए जे रिट्रीटिंग मॉनसून रे आपन ओटि बुझै देबे किछि कन्फ्यूज होतुनी यहाँ बेसिकली सेप्टेम्बर रु आरंभ हो कि नवेम्बर मसीहा पर्यंत चली थाए सेप्टेम्बर रु नवेम्बर मसीहा केमती कौन चल थाए रिट्रीटिंग मनसून टा देखो ये जो रिट्रीटिंग बेसिकली आमर कौन बहुत स्लो ही थाए हैला आउ सेटा इंडिया को केमती आसते जून रे आसी थाए देखो टू रिच इंडिया बाय द बिगिनिंग ऑफ द जून दिस इज नोन एज द ऑनसेट ऑफ मनसून ता अगर कौन रिट्रीटिंग मनसून टा कौन होता है जो अनसेट होता है अनसेट होता है मनसून अर्थात से जून रो आरंभ रु से पहुंची जाए थे ताको हमें कहिबा अनसेट मनसून हैला एटा बेसिकली को जगह रहिस ना इंडियन ओशन रो आसी थे हम तळ जगह रो आसी थे ए जगह रो जे बही थे हैला तापर कोन तापर आसी ना वेरी हाई लॉन्ग द कोस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट द ड्यूरेशन ऑफ द अमाउंट रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द कोस्टल एरिया टुवर्ड्स द इंटीरियर देखो यदि आम रेनफॉल कथा कहवा यहाँ भेरी हाई होता है कोई जगह ना कोस्टल इलाक
হ্যাঁ, এবং নর্থ ইস্ট এলাকারে এই জায়গাতে হাই থাকে, রেনফলটা বেশি হয়ে, কিন্তু রেনফলটা ডিক্রিজ হতে কেউ জায়গায় না, সাউথ টু নর্থ এলাকারে, সাউথ টু নর্থ অর্থাৎ নর্থরে এবং ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট, ইস্ট টু ওয়েস্টরে সেটা কোণ হইতে রেনফলটা কম হয়ে। এবং আর কোণ হইতে ইট অলসো ডিক্রিজ ফ্রম দ কোস্টাল এরিয়া টু ইন্টেরিয়র, অর্থাৎ যে কোস্টাল এলাকা আছে এই কোস্টালটা আমরা যদি কম্পেয়ার করিবা, এই কোস্টাল যেত পরিমাণে বর্ষা হব তাহলে ইন্টেরিয়রে আমার ইন্ডিয়ার মধ্যে সেটিকে বর্ষা হব না সেটা কুচি, কিছু বেশি কথা নেই। তামিলনাড়ু কোস্ট রিমেন ড্রাই ডিউরিং দিস অ্যান্ড গ্রাজুয়ালি দ মন্থ অফ অক্টোবর অ্যান্ড নভেম্বর আর মার্ক বাই দ্য ক্লিয়ার স্কিজ অফ দ স্লাইট রিজন টেম্পারেচার, দ্য ওয়েদার বিকম অপ্রেসিভ ডিউ টু এক্সট্রিম হট হিট অ্যান্ড হাই হিউমিডিটি, দিস ইজ নোন অক্টোবর। হ্যাঁ, মনে রাখবে তামিলনাড়ু যেত অক্টোবর মসিহারে বা নভেম্বর মসিহারে যেতে হিউমিডিটি বড়ি থাকে, হ্যাঁ, যে হিউমিডিটি হাই হিউমিডিটি থাকে হিট থাকে তাকে আমরা অক্টোবর হিট বলে কবা, কেউ জায়গায় এটা মনে রাখবে তামিলনাড়ুরে কেবে না অক্টোবর নভেম্বর মসিহারে, হ্যাঁ। তাপরে এটা দেখুন এটা উইথড্র ফ্রম দ কন্ট্রি এন্ড অফ দ নভেম্বর, এট দিস টাইম দ নর্থ ইস্ট ট্রেড উইন্ড টেক ওভার দ আর কল দ নর্থ ইস্ট মনসুন, নর্থ ইস্ট মনসুন কেউ সময় আসে না সেপ্টেম্বর মসিহারে আসে থাকে, বুঝিপারি কি না, আর এটা নভেম্বরে ফ্লো করে থাকে, এন্ড হয়ে থাকে নভেম্বরে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মানে যে জায়গায় আমার সেই মনসুনটা আমার সাউথ ওয়েস্ট মনসুনটা সরি যাই থাকে, সে যে রিটার্ন নর্থ ইস্ট মনসুনটা আসি থাকে এবং তামিলনাড়ুরে বর্ষা করে দিয়ে থাকে। আর কোণ আোটে পেজ অছি আপনার চিন্তা করতু নি, বাস সরি গেল। হ্যাঁ, এটা আপনার কহবা গলে এটি দেখুন আপনার লিখা হয়েছি, হ্যাঁ, যেটা মুহলি করামণ্ডল কোস্ট সেটা বর্ষা করে দিয়ে থাকে তামিলনাড়ুর। হ্যাঁ, রেনফল কেউ জায়গায় কমিটি হয়ে থাকে 120 সেটিমিটর রেনফল হয়ে থাকে কেউ জায়গায়, দ এভারেজ এনুয়াল, হ্যাঁ এনুয়াল রেনফল আমি এটা কথা কুচি, কেতে বর্ষ মানে বর্ষিক বার্ষিক কেতে হয়ে থাকে ইন্ডিয়ার 120 সেটিমিটর হয়ে থাকে, হ্যাঁ, এটা ওয়ার্ল্ডরে আমি যদি কম্পেয়ার করবা এটা ইন্ডিয়ার বহু অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে, হ্যাঁ, গোটে গোটে জায়গায় মানে বড়ি থাকে 800 সেটিমিটর হয়ে থাকে বর্ষা যে জায়গায়, আর কিন্তু রাজস্থানের সেটি পরিমাণে হুয়ে না, যেটা কি 10 সেটিমিটর আপনার ডিসকস করেছি। এবং আউ ইন্ডিয়ারে সেটা হচ্ছে দেখুন ইন্ডিয়ারে হাইয়েস্ট রেনফল 1142 সেটিমিটর পর ইয়র বর্ষা হইতে কেউ জায়গায়, মেঘালয়রে, মেঘালয়রে মুখলি কেউ জায়গায় সেটা কোশ্চেন আপনার পচারিব, সেটা কেউ জায়গায় না মহেশ্বর নামে সেটা হইতে, সেটা কেউ জায়গায় অছি চেরাপুঞ্জিরে অছি, মনে রখবে এটা বহু থর কোশ্চেন আসছে, ওকে। আর বেসিক্যালি দেখুন ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্ল্যান দ ওয়েস্টার্ন স্লোপ অফ দ ওয়েস্টার্ন ঘাটস মেঘালয় অ্যান্ড দ্য ব্রহ্মপুত্র বলে রিসিভ ভেরি হার্পুন, বেসিক্যালি মেঘালয় তো আপনার ডিসকস করি মেঘালয়ের হি বেশি আর হাইয়েস্ট রেনফল হয়ে আর ব্রহ্মপুত্র বেলের মতো কিছু পরিমাণে হাইয়েস্ট হয়ে থাকে, হ্যাঁ, এমনকর অ্যানুয়ালি কোণ রেনফলটা 200 সেটিমিটর হয়ে থাকে অ্যানুয়ালি, গঙ্গা ভ্যালিরে মধ্যে হয়ে থাকে, ইস্টার্ন মহারাষ্ট্রে হয়ে থাকে, ওড়িশারে হয়ে থাকে, সেন্ট্রাল পার্ট অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে এটা বেসিক্যালি 100 সেটিমিটরে এমনকর 100 সেটিমিটর 200 সেটিমিটর হয়ে থাকে, কিন্তু ঠিক কহবা পঞ্জাবরে হেলা ডেকান প্লেটরে হেলা রাজস্থানরে হেলা গঙ্গা ভ্যালিরে হেলা এটা মাত্র 50 সেটিমিটর 100 সেটিমিটর অ্যানুয়ালি রেনফল হয়ে থাকে, এবং রাজস্থান লদাখ কিনোর অ্যান্ড লাহুল স্পিট হিমাচল প্রদেশ এটা 50 সেটিমিটর এভারেজ হয়ে থাকে বর্ষা, বুঝিপারি এতকি, আশা করছি ভিডিওটি আপনার বহু বহু হেল্পফুল হয়ে থাকবে, ওকে। তো এটা দেখুন হোমওয়ার্ক এটা আপনার করবে, এটা হোমওয়ার্ক আপনার হ্যাঁ স্ক্রিনশট নিয়ে যাতু, হ্যাঁ এটা স্ক্রিনশট নিয়ে যাতু আপনার কামরে আসবে, হ্যাঁ, ওকে। তো এর দেখুন এর আমি কোশ্চেন মধ্যে ডিসকস করবা, এটা আপনার নিয়ে আসবি নেক্সট ভিডিওরে, হ্যাঁ, এই কোশ্চেন আপনার বনাইছি এটা পিডিএফ মধ্যে আপনার সেয়ার করে দেবি, কিছু চিন্তা করতু নি, হ্যাঁ, যদি আপনার এপর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে না তাহলে সবসক্রাইব তো নিশ্চিত ভাবে করবি, হ্যাঁ, করে দিও, হ্যাঁ, উৎসাহিত লাগিব, খুশি লাগিব, হ্যাঁ, আপনার মানে ভিডিও দেখুছেন বলে আমি জানিব কেমতি, লাইক নকলে, হ্যাঁ, লাইক করতু, সপোর্ট করতু, কমেন্ট করতু ভাল লাগিলা স্যার বলিকি, হ্যাঁ, মোটিভেটেড করতু, আপনার আহুরি আহুরি আমি ভিডিও প্রোভাইড করবু, হ্যাঁ, এটা সব আমি ফ্রি ফ্রি প্রোভাইড করছি, আপনার তো নিশ্চিত ভাবে সেয়ার করার কথা, লাইক সেয়ার করার কথা, কমেন্ট করার কথা, হ্যাঁ,
ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି ତାହେଲେ।